गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स, दैट इज प्री नंबर कॉन्सेप्ट. इन दिस चैप्टर अवर फर्स्ट टॉपिक इज इनसाइड एंड आउटसाइड. इनसाइड मीन्स किस चीज़ के अंदर, आउटसाइड मीन्स किस चीज़ के बाहर. किनी इज इनसाइड द बॉक्स, किनी कहाँ है, बॉक्स के अंदर. क्रिश इज आउटसाइड द बॉक्स, क्रिश कहाँ है, बॉक्स के बाहर. सो वी यूज आउटसाइड. Look at the question. Cross the one which is outside. आपको उस पर क्रॉस लगाना है जो बाहर है. In first picture, a rabbit and a cat. Which one is outside? Yes, the cat. Put the cross. Which apple is outside the box? Yes, this. Put the cross. Circle the one which is inside. आपको उस पर सर्कल लगाना है जो अंदर है. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, अ डॉग एंड अ बर्ड. विच वन इज इनसाइड? यस, द डॉग. पुट द सर्कल. विच बर्ड इज इनसाइड द एग? यस, दिस. पुट द सर्कल. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन एंड अंडर. ऑन मीन्स किसी चीज के ऊपर, अंडर मीन्स किसी चीज के नीचे. क्रिश इज स्टैंडिंग अंडर द बार. क्रिश कहाँ खड़ा है? बार के नीचे. किनी इज सिटिंग ऑन द बार. किनी कहाँ बैठा है? बार के ऊपर. लुक द क्वेश्चन. टेक द वन हु इज ऑन द टेबल एंड क्रॉस द वन हु इज अंडर इन. आपको उस पर टिक लगाना है जो टेबल के ऊपर है और उस बर्ड पे क्रॉस लगाना है जो टेबल के नीचे है. Which bird is on the table? Yes, this one. Put the right. Which bird is under the table? This. Put the cross. Now we study top and bottom. Top means upper. Bottom means नीचे. Kini is at the top of the ladder. Kini कहाँ है? Ladder के top पे. क्रिश इज एट द बॉटम ऑफ द लेडर. क्रिश कहाँ है? लेडर के बॉटम में. बॉटम मतलब नीचे. लुक एट द क्वेश्चन. ड्रॉ अ पेबल एट द बॉटम ऑफ द जग. आपको पेबल बनाने हैं कहाँ पर? बॉटम मतलब नीचे. कहाँ पे बनाने हैं? जग के नीचे की साइड बनाने हैं. वी ड्रॉ इट एंड कलर इट ऑल्सो. ड्रॉ अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक एंड कलर. आपको केक पे एक चेरी बनानी है. कहाँ पे? टॉप में. टॉप मतलब ऊपर. सो वी ड्रॉ इट. नाउ वी स्टडी अबव एंड बिलो. अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे. अ काइट इज फ्लाइंग अबव. काइट कहाँ उड़ रही है? ऊपर. The boy with the reel is standing below. Boy कहाँ खड़ा हुआ है? नीचे. Look at the question. Look at this animal and answer the following question. आपको ये animals दिए हुए हैं, आपको इनके हिसाब से आंसर देने हैं. Look at the question. Who is above the monkey? Monkey के ऊपर कौन है? Look at the picture. Monkey. इसके ऊपर कौन है? यस, पेंगुइन. सो वी राइट पेंगुइन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज बिलो द फ्रॉग. बिलो मीन्स नीचे. फ्रॉग के नीचे कौन है? यस, द आउल. सो वी राइट आउल. हु इज अबव द पेंगुइन. पेंगुइन के ऊपर कौन है? यस, द आउल. सो वी राइट आउल. Who is below the cat? Cat के नीचे कौन है? Yes, the elephant. So we write elephant. Next we study in front of and behind. In front of means किसी चीज के आगे. Behind means किसी चीज के पीछे. Krish is in front of the tree. Krish कहाँ है? Tree के आगे. So we use in front of. किनी इज बिहाइंड द ट्री. किनी कहाँ है? ट्री के पीछे. सो वी यूज बिहाइंड. लुक एट द क्वेश्चन.
Take the one who is behind the who is behind and cross the one who is in front of. जो पीछे है आपको उस पर राइट लगाना है और जो आगे है आपको उस पर क्रॉस लगाना है. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, अ बॉय एंड अ बी. हु इज बिहाइंड? यस द बॉय, पुट द राइट. हु इज इन फ्रंट ऑफ? यस द बी, पुट द क्रॉस. नेक्स्ट पिक्चर, हु इज बिहाइंड? A boy, put the right. Who is in front of? Yes, the doggy, put the cross. Look at the next picture. A boy and a ball. Who is behind? Yes, the boy, put the right. Who is in front of? Yes, the ball, put the cross. In next picture, who is behind? The hen, put the right. Who is in front of? The babies, put the cross. Now we study same and different. Same means ek jaisa, different means alag alag. Look at the first picture. The both birds are same. Yes. In next picture, the both birds are same. No, it's different. Now we saw the question. In each row, circle the picture which is same as the one on the left. आपको उस पिक्चर पे सर्कल लगाना है जो सेम है किसकी तरह, लेफ्ट वाले पिक्चर की तरह. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, दिस डॉगी. फाइंड द सेम पिक्चर. यस दिस, सर्कल इट. Look at the next picture. This penguin. Find the same picture. Yes, this. Circle it. Look at the cat and find it. Which one is same? Yes, this. Put the circle. Now we study big and small. Big means बड़ा, small means छोटा. Elephant is big. Elephant क्या है? बड़ा है. Rat is small. Rat क्या है? Small मतलब छोटा. Look at the question. Tick the big and cross the small. आपको उस पर टिक लगाना है जो बड़ा है और उस पर क्रॉस लगाना है जो छोटा है. Look at the first picture. इसमें बड़ा क्या है? Yes, the tree. Put the right. This one is small. Put the cross. Look at the second picture. Which ball is big? Yes, this. Put the right. This one is smaller. Put the cross. Now we study near and far. Near means past mein, far means dur. Kini is near the tree. Kini ped ke पास है. क्रिश इज फार द ट्री. क्रिश कहाँ है? पेड़ से दूर. लुक एट द क्वेश्चन. टेक द चाइल्ड हु इज नियर द फिनिशिंग लाइन एंड क्रॉस द वन हु इज फार. आपको उस बच्चे पे टिक लगाना है जो फिनिशिंग लाइन के पास है और उस पे क्रॉस लगाना है जो फिनिशिंग लाइन के दूर है. So, which one is near? Yes, this. Put the right. Which one is far? This. Put the cross. In next question, take the ship which is far from the lighthouse and circle the one which is near it. आपको उस ship पे टिक लगाना है जो दूर है और उस ship पे फिर आपको उस ship पे क्रॉस सर्कल लगाना है जो उसके पास है. लुक एट द पिक्चर. ये वाला शेप उसके लाइट हाउस के पास है. सो वी पुट सर्कल एंड दिस शेप इज फार
फार मतलब दूर, सो वी पुट टेक. नाउ योर चैप्टर इज फिनिश. लुक एट द वर्कशीट एंड आंसर द फॉलोइंग. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड राइट द आंसर. I hope you all understand today's class. Thank you and have a nice day.